अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैंने बनाए हैं चना बिरयानी या चना पुलाव, जो भी आप कह लो। सो इस तरीके से आज मैंने चने वाली जो है वो तह लगा के बिरयानी बनाई है। और आज हमारा लास्ट डे है शिफ्टिंग का, और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितनी ट्रेजडीज़ हुई हैं और कितनी मुश्किलात होती हैं शिफ्टिंग में। ये मुझे इस दफ़ा सही से पता चला, क्योंकि पहले तो हमने रेंट के घर पे शिफ्ट किया था तो इतना कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं हुआ था, बट इस दफ़ा थोड़ा बहुत। सो आप देख सकते हो चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं, और ये मेरा चना बिरयानी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने इसमें तीखा कम रखा है इस बार, बिकॉज बच्चे ज़्यादा तीखा खा नहीं सकते। अब्दुल कबीर को आइसक्रीम मिलेगी बिकॉज ही इज अ गुड बॉय। अब्दुल कबीर आप अच्छे बच्चे हैं। ऐश आप जा रही हो ना? हाँ मैं घर जा रही हूँ। सारे छित्तर छुपा दो। छित्तर जूते, छित्तर जूतों को बोलते हैं। पूछ लो मम्मा से। यस नहीं। यस नहीं। यस। अच्छा आप कौन हो? बुम बुम हो आप? एक दफा बुम बुम करके दिखा दो। माय नेम इज चिक्की चिक्की चिक्की। माय नेम इज चाचा 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 चाचा। बुम बुम नहीं खा सकते। बुम बुम बुम। माय नेम इज बुम बुम बोलो। माय माय नेम इज चिक्की होता है। माय नेम इज बुम बुम भी होता है। अच्छा सही है। पढ़ो बुम 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 पढ़ो। माय नेम इज बुम बुम। अच्छा सही पढ़ो। माय नेम इज बुम 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 बुम। हेलोवीन वाला सही है। हेलोवीन 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 सॉन्ग। मामा
शिफ्टिंग के साथ साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। ये है वॉल्स की आइसक्रीम और बहुत गर्मी है, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एसी हमारा ख़राब हो चुका है, प्लस शिफ्टिंग चल रही है तो सारे घर में इधर उधर सामान हो रहा है। सो इस वजह से ना ही मैं कुछ कुक कर पा रही हूँ। बच्चों को थोड़ा बहुत फ़न करते रहना ही चाहिए, उससे क्या होता है कि आपके एक्सरसाइज जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं बॉडी में। और ये मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि घर का किस तरीके का हाल हो रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है और चीज़ें पैक हो रही हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं। ऑलमोस्ट फर्नीचर जो है वो जा चुका है, कार्टन्स भी जा चुके हैं, बस थोड़ा बहुत सा सामान जो लास्ट ट्रिप में जाएगा वो सब सामान यहाँ पर है। आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है, मतलब कि बहुत लेट हो गया है, ठीक है, अराउंड 12 o'clock। और ये कबर्ड बिल्कुल खाली है, ये जाएगी पर ये बहुत हैवी थी इसलिए नहीं जा सकी अभी। और मैं पूरा कंप्लीट नहीं शूट कर पाई, हम घर से निकल गए हैं और लास्ट ट्रिप भी जो था वो चला जा चुका है। और इस तरीके से हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो कैब में, और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं। स्टिल अब मेरे हाथ में एक वाटर बॉटल भी है, प्लस सामान भी है गाड़ी में हमारे साथ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा। और स्टिल अभी हमारा घर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि कलर वालों ने जो था वो कलर थोड़ा बहुत ख़राब कर दिया था, और स्टेयर्स के जो जीने होते हैं वहाँ पर भी कलर सही फिनिशिंग से नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि सब मतलब लाइक फर्नीचर वगैरह शिफ्ट करने से पहले ही हम एक दफ़ा दोबारा से मज़दूर बुलाकर और दोबारा से उसको कलर जो है वो फ़ाइनल कर लें और उसके बाद ही हम घर में शिफ्ट करें। अब भी हम सेम बिल्डिंग में अलग मतलब दूसरे अपार्टमेंट में जाएंगे, बट अभी हम अपने घर में नहीं जाएंगे फॉर अ टाइम बीइंग, लाइक 2 to 3 days हमें अभी और मज़ीद लगेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये छोटी मोटी मुश्किलें तो आती रहती हैं, जब अल्लाह पाक ने घर दे दिया है तो इंशाल्लाह ये 3-4 दिन भी निकल जाएंगे, इसका कोई मसला नहीं है। ये अप एंड डाउन्स तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं और आपको फ़ेस करना चाहिए स्ट्रॉन्गली इन सब चीज़ों को, तो हम भी अब उन्हें फ़ेस करने जा रहे हैं। बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो जिस घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं अभी इस वक्त फॉर टेम्प्रेरी, वहाँ पे अभी किचन वगैरह ऑन नहीं है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो बहुत जो है ना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अदरवाइज़ वैसे तो कोई मसला नहीं है, बड़े तो एडजस्ट कर ही लेते हैं हर हाल में, बट इंशाल्लाह ये दिन भी निकल जाएंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। कोई खामियां हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों का ख्याल रखूँ। और स्टे ब्लेस्ड, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप फॉलोइंग मी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई बट आगे इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती रहूँगी। बहुत सारे काम हैं, टाइम नहीं मिलता, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ बट कभी नहीं हो पाता इस वजह से। और बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि अभी हम किधर हैं।